मेरा नाम है हौलदार जागर सिंह, मैं आरसीएल कमांडर था। उसके बाद हमारी ये प्लटून थी, एसपी कंपनी थी मेरी, तो उसके हम फिरोजपुर में हमारा जो डिप्लॉयमेंट पूरी पलटन उधर थी, उधर से हमने परेशान एरिया पहले इधर रैकी करते थे। रैकी करने के बाद फिर हमने उधर से जब ऑपरेशन चालू हुआ फिर हमने पीखीपिंड में आए, उधर हमारा बटालियन हेडक्वार्टर था। उसके बाद हम रात को जाते थे अपने डिफेंस, दो फेस में डिफेंस था और पहले डिफेंस में हमने अपने मोर्चे उसे साफ करते थे। आखिर में जब फायरिंग चालू हो गया ऑपरेशन, फिर हम खजड़े में पहुंच गए। उधर हमारा जो पलटनी अलग अलग जो अल्फा कंपनी इधर डेल्टा इधर, हम कलसी पे आए पेंडर लग गए, उठे हमारा डिफेंस था। उधर हमने हमारे ऊपर जो प्रदेश जो भी हमने किया उनका फायर उधर कार्रवाई किया। सर किदां महसूस करते हो उस लड़ाई में, तुम भी गए उसकी याद में, अज इतों तक रह लिए, किदां महसूस कर रहे हो? वो भी अभी बड़े खुश हैं, ऑपरेशन लड़िया बड़े खुशी ना लड़िया और दलेरी के साथ लड़िया। हमारी पलटन ने जो भी नाम कमाया चंगा कमाया ही साढ़े कोई हौलदार वीर सिंह जो शहीद होया था, तो उस टाइम तो हम भी सभी भी इस जब ऑपरेशन हो रहा था उस सारे में हमारे लिए तो बहुत चंगा हमने देखा है अपनी पलटन को लड़ते हुए। वो तीन चार आदमी हमारे जख्मी हुए थे, बाकी ठीक है। तो थैंक यू। चोईसी बॉर्डर जुबली में मनाते हैं जैक राइफल रेजिमेंट है, इंडियन आर्मी की जैक राइफल रेजिमेंट, उन्हों की सैकल रैली अखनूर जे एंड के तो चल के अज गुरदासपुर तिबड़ी कैंट में पहुंची है। तो तिबड़ी कैंट के विद 10 किलोमीटर एरिया के जितने भी एक्स सर्विसमैन है सारे ही इन्हों वेलकम करते हुए इतने इकट्ठे हुए हैं। अज इन्हों का स्टेज थी होएगा, इन्होंने खरड़ा पहुँचना है अपना जो 71 का ऑपरेशन लड़ाई लड़ी है, बड़ी हिस्टोरिक विक्ट्री हुई जैक राइफल रेजिमेंट की, वो इन्होंने जाके खरड़ा जाके अपना एम जरा मिशन है वो पूरा कर। किन्ने बंदे टीम इतने पुजी है? ये इस टाइम जो है वो एक अफसर, दो JCO, 24 जवान है। तो इतने इन्हों का की सम्मान किया गया? इन्होंने वास्ते तो इन्हों सब तो पहले असं इन्हों का बहुत ही वेलकम किया कि जो इन्होंने अपना हौसला बढ़ा बताया इन्हों का कि जो साइकिल से चल के इतने पहुंचे हैं, इन्हों के वास्ते रिफ्रैशमेंट का अरेजमेंट किया, थोड़ा थोड़ा इन्हों का सुबह जो बातचीत है कोई गेट टूगैदर किया पूरा, इन्होंने कोई प्रॉब्लम है कोई वो पूछी है, जहाँ इन्होंने कोई चीज़ चाहिए हुए साढ़े लायक जो असं कर सकते हो वो पूछा कि अस की कर सकते हैं। बाकी ये खुश ने, बहुत वधिया ने, अपने मिशन च पूरे कामयाब दोनों बंदे बुलाए। तो हर साल इन्हों का स्वागत तुम इस तरह करते हो? जिस तरह भी कोई भी साड़ी इस रेजिमेंट की कोई भी रैली निकलती है तो जो सर को असं हर इस तरह ही स्वागत करते हैं।